दोस्तों हजरत अली अलैहिस्सलाम शेरे हुदा से पूछे गए कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, तो चलिए बताते हैं। एक दफा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा गया कि या शेरे हुदा, इस जमीन पर सबसे पहले अचानक मौत किसको आई? तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जमीन पर अचानक मौत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आई। और एक और शख्स ने सवाल पूछा कि या शेरे हुदा, वो महलूक कौन सी है जिस पर अल्लाह की वही नाजल हुई, लेकिन वो महलूक ना तो जिन है और ना ही इंसान ना ही फरिश्ते? तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शहद की मक्खी है जिस पर अल्लाह ताला ने ये वही नाजल की कि ऐ शहद की मक्खी, जा अलग अलग फूलों से अपनी गजा हासिल कर। और एक शख्स ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन में उतारा? तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा। और एक और शख्स कहने लगा कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे लेकिन पेशाब और पहाना कैसे नहीं करेंगे? तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह बच्चा माँ के पेट में खुराक की नाली से खाना खाता है पीता है लेकिन वो पेशाब पहाना नहीं करता। सुभान अल्लाह। बेशक दोस्तों हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं इलम का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।